थोड़ा सा ताली मार दीजिए। देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं, हमने अग्रीमेंट साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने आप को हमने निगोशिएट करके अपना तिपरासा का इंटरेस्ट को रख के हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। अग्रीमेंट साइन करना एक चीज है, अग्रीमेंट को ग्राउंड में लाकर अपना गरीब तिपरासा को अधिकार देना, उसके लिए फाइट और भी इंपॉर्टेंट है। पहले भी बहुत अग्रीमेंट्स हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर हुआ 1949 में कंचन प्रभा देवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन तिपरासा अपना ही जमीन में उसके बाद माइनॉरिटी बन गया। जो सुरक्षा मिलने का बात था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुरक्षा देने के लिए बात किया था, वो सुरक्षा हमारे तिपरासा को नहीं मिला। इसी के लिए जहां में हम लोग मेजॉरिटी में थे, आज हम लोग उसी राज्य में माइनॉरिटी में है। उसके बाद विजय कुमार रांखौल टीएनवी अकॉर्ड हुआ राजीव गांधी के साथ 1988 में, उसमें भी कहा गया कि बाउंड्री से अब इलीगल इमिग्रेशन को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग आज भी जानते हैं कि इलीगली बांग्लादेश से लोग आज भी हमारे जमीन में आ रहे हैं। वो अग्रीमेंट को भी 100% इंप्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद एटीटीएफ अकॉर्ड हुआ, वो अग्रीमेंट को भी 100% इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया गया। एनसी दे बर्मा आईपीएफटी 2018 में मेवार यहां में है, उस टाइम भी हाई पावर कमिटी के साथ कुछ लिखा गया, कुछ नहीं हुआ। तो आज जब हमने अग्रीमेंट साइन किया है, तो हमको भी सोच के रखना है कि जो गलती पहले हुआ वो आज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अग्रीमेंट महाराजा ने अपने लिए नहीं किया है, अपने लोगों के लिए किया है, और हमको जवाब देना है पब्लिक को। बहुत लोग ने पिछले 3 महीने से स्पेशली सीपीएम से सवाल उठाया, सीए क्या होगा, का क्या होगा, महाराजा चुप क्यों है? जब सीए पास हुआ तब त्रिपुरा से कोई सीपीएम का लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं किया, मैंने किया। और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हो कि आप सीए का अगेंस्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महाराजा सीए के खिलाफ फाइट कर रहा है। यह बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट में, अगर यह बिल को हराना है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हरा सकता, इसको अगर हराना है तो सुप्रीम कोर्ट ही इसको हटा सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट में केस मैं फाइट कर रहा हूं। मेरा स्टांस और सीपीएम का स्टांस में बहुत फर्क है। बुबागरा का कहना है कि जो भी बांग्लादेश से आया है, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, अगर इलीगली वो इंडिया में आया है तो त्रिपुरा में आप इनको रख नहीं सकते, क्योंकि त्रिपुरा ने पहले से बहुत लोगों को रखा है। सीपीएम का स्टांस है, कांग्रेस का स्टांस है कि आपने हिंदू को अलाउ किया है, क्रिश्चियन को अलाउ किया है, बुद्धिस्ट को अलाउ किया है, मुसलमान को भी रखो तब सीए ठीक है। नहीं, हमको और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से त्रिपुरा में बहुत लोग आ चुके हैं, अब हम और लोगों को रखना नहीं चाहते हैं, कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो।
कोई भी कम्युनिटी का हो, हमने पहले से बहुत लोगों को रखा है। पहले हमें अपने त्रिपुरा के लोगों को नौकरी देना है, आपको बच्चे को शिक्षा देना है। अगर हम लोग बाहर से लोगों को लाते रहेंगे वोट बैंक के लिए, बीजेपी अपना वोट बैंक देख रहा है, सीपीएम अपना वोट बैंक देख रहा है, लेकिन तिपरासा के बारे कोई नहीं सोच रहा है। इसके लिए मैंने कहा कि और नो मोह, और वो पोजीशन हमारा आज भी है। तिपरा मोथा का पोजीशन क्लियर। सेकंड पॉइंट, बहुत लोग ने मुझे फोन किया, मैसेज भेजा, पानी सागर में आप क्या कर रहे हैं, मेरे संग मेरे सामने माय मिनिस्टर, आर मिनिस्टर, ही इज अ मिनिस्टर फ्रॉम तिपरा मोथा, उसने मुझे आज कहा, महाराज जो कानून है, द लॉ ऑफ द लैंड विल बी इंप्लीमेंटेड, वी डू नॉट थिंक अबाउट एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी, एनीवन, जो भी इलीगली फॉरेस्ट लैंड में आकर पानी सागर में बैठा है, कानून अपना काम करेगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसको बोलता है लीडरशिप। आपको एक बात क्लियर समझना है, बुरी बदल को आपको राजनीति करना है या अपना बच्चा का भविष्य को ठीक करना है। आज मेरा मीटिंग हुआ सीएम के साथ, पूर्ण चंद्र झमटे के साथ, मैंने कहा लोकसभा खत्म है, फाइनली असेंबली में हम लोग का आवाज उठ रहा है, अब हम लोग गवर्नमेंट में आए, लेकिन हम लोगों का काम है अपना कम्युनिटी के लिए बात करना, और वो हम लोग अंदर भी करेगा, बाहर भी करेगा, और हां जो भी करेगा शांति से करेगा, लेकिन 100% जरूर करेगा, क्योंकि जिस दिन the day we stop talking about our people, the people will stop talking about us। अगले एक महीने के अंदर I want the committee ready। यहां में आपका TWF है, आप लोग प्लीज कमेटी बनाइए, क्योंकि इलेक्शन था उस समय कुछ नहीं कर सके, अब इलेक्शन खत्म हुआ, बहुत लोग ने बोला है इज रेडी, बैठकर इसी महीना हमको कमेटी का लिस्ट रिलीज करना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में मैं चाहता हूं, और मेरा बात भी हुआ है, कि हम मैक्सिमम विमेन को प्रमोट करें। हेल्थ सेक्टर में, नर्सिंग सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, अगर आज हमारा औरत लोगों को चांस मिलता है तो एक अच्छा कल मिलेगा। बुरी बदल, आज से 3 साल पहले यहां में कमल है, कमल ने एक दिन आके हमको बोला था, महाराज हमारा औरत लोगों को थान लीजिए। आज इंडस्ट्री हम लोग के संग है, ऋषिकेतु आज नहीं है, उनका फादर का श्राद्ध चल रहा है। अगर हमने हर जोन में वीविंग सेंटर शुरू किया, जहां में हम लोगों का बुरुई लोग अपना थान बना सके, अपना रिग्नाई बना सके, वीसा बना सके, और वो खरीद के हम लोग बाहर बेचे और आप लोगों को कुछ एम्प्लॉयमेंट दे सके, क्यों नहीं। आज अगर आप कहीं भी जाएगा इंडिया में नर्सिंग के लिए, हम लोगों को पूरे इंडिया में नर्स का कमी है, सब नर्स मणिपुर से जा रहा है, नागालैंड से जा रहा है, केरला से जा रहा है, मेघालय से जा रहा है नर्स, जापान जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, उनको सैलरी मिल रहा है 1,80,000-50,000, और हम लोगों का तिपरासा लोग, क्योंकि हम लोग का भाषा में प्रॉब्लम है, इसके लिए स्किल बिल्डिंग में हम लोगों को, नर्सिंग में, होटल इंडस्ट्री में, आप कोई भी होटल में चले जाओ आज इंडिया में, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, 90% आपको जो मिलेगा वो हम लोगों का नागालैंड से है, मणिपुर से है, मेघालय से है, सब बुकुंबारा है, तो हम लोगों का तिपरासा को क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों के पास स्किल नहीं था। आज टाटा से बात करके हम लोग
होटल मैनेजमेंट का स्किल यूनिवर्सिटी हम लोग लाएंगे, स्किल सेंटर लाएंगे खुमुलुंग में, और आप लोगों को चांस मिलेगा। आपको नहीं मिले तो आपका बेटी को मिलेगा, आप नहीं तो आपका बहन को मिलेगा। लेकिन जब तक हम लोग अपना परिवार में अपना इनकम को रेज ना करें, हम लोग हमेशा गरीब रहेगा और हमेशा किसी के अंदर रहेगा। मेरा एम है कि आप लोगों को, मैं आप सबको तो पॉलिटिशियन नहीं बना सकता हूं, लेकिन आप लोगों को, हमारा बुरी को, हमारा कम्युनिटी को, अगर हम कल एक अच्छा जिंदगी दे सकें जहां में आपका इनकम हो, जहां में आपका जिंदगी में आप किसी के सामने गिरे नहीं, आपका सर नहीं झुके, तो वो मेरे लिए काम होगा। इलेक्शन आएगा जाएगा, लेकिन अगर आपका घर में आपका पक्का घर हो जाए, आपका बेटी कल अगर एजुकेटेड हो जाए, हमारा पीपरा साहब कम्युनिटी अगर उठ जाए, तो हमको राजनीति करने में कोई शौक नहीं। वी हैव टू बी पेट्रियोटिक, दिल के अंदर अपने दोफा के लिए एक पेट्रियोटिज्म रहना चाहिए, एक कमिटमेंट रहना चाहिए कि हम अपने कम्युनिटी को कैसे उठाए। और वो महाराजा बुबाकरा अकेला नहीं कर सकता, आपको करना पड़ेगा। रहा बात ओपोनेंट्स, उस दिन बीके रांको से भी बात हुआ, अनिमेश भी बोला, अनिमेश ने मुझे एक बात बोला, रूनिल से भी बात कर रहा था, YTF रेजिडेंट से, हमको आई फील वेरी नाइस, यू नो, बोला महाराजा आर पार्टी इज आर पार्टी, वी विल से व्हाट वी हैव टू से, आर डिमांड इज आर डिमांड, आर डिमांड इज कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन, आर डिमांड इज पीपरा, एंड वाई विल वी गिव अप आर डिमांड। आज नहीं मिला, चार साल बाद मिलेगा, चार साल बाद नहीं मिला, दस साल बाद मिलेगा, एक ना एक दिन मिलेगा। हिंदुस्तान को भी आजादी एक दिन में नहीं मिला, फाइट करना पड़ा, कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। महात्मा गांधी ने भी फ्रीडम स्ट्रगल निकाला, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो महात्मा गांधी ने बोला सस्पेंड करो अपना मूवमेंट, अभी पूरा दुनिया में युद्ध है, अभी हम लोगों को एक होना है, युद्ध जीतना है। जैसा युद्ध खत्म हुआ वापस शुरू हुआ, लेकिन अपना डिमांड नहीं छोड़ा। तो अपना डिमांड, कोई भी पूछे कहां गया आपका डिमांड, मैं सबके सामने बोल रहा हूं डिमांड नहीं छोड़ा, कहां में अग्रीमेंट में लिखा है कि डिमांड छोड़ा है। हमने बोला कि सब बात होगा, हर बात होगा, और हर बात में जब तक आप अपना पोजीशन को स्ट्रांग नहीं रखेगा, दूसरा पार्टी भी आपको इज्जत नहीं देगा। और जो भी करना है दिमाग से करना है, किसी के संग वाइट। तो आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, जो भी पूछता है कहां गया वो डिमांड, नहीं गया कहीं, वो डिमांड है। दिल्ली हमेशा पावरफुल नहीं रहता है, कभी उठता है कभी गिरता है, हम लोगों को अपना पोजीशन जहां था वहां में रखना है। ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? नहीं नहीं, बुरे लोग से पूछ रहा है, ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? आप लोगों को क्या, आप लोग नहीं नहीं, आप लोग बोलो, अगर आपको नहीं फाइट करना तो मैं छोड़ देता हूं कि प्रमुख। हां, जब तक आप अपना घर में अपना पति को नहीं बोलेगा हमको 10 रुपए दो, आपको 5 रुपए नहीं मिलने वाला, बोला कि नहीं? जब तक आप नहीं बोलेगा तो डिमांड करना सीखो, शर्म मत करो, यह आपका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, संविधान में लिखा है, शर्म का बात नहीं है ये। लेकिन देखो कौन कौन सा पोजीशन में है। आज हम लोगों का पोजीशन है, आज पीपरा मोथा पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ
टीपरासा ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। अब जब हमारे होम मिनिस्टर आए थे, मैं बहुत आदर करता हूं अमित शाह, कुमार घाट में बोला कि राजा साहब तो राजा साहब है लेकिन बनिए से ज्यादा चतुर है, छोटी छोटी बात में, अब छोटा छोटा बात को उठाकर दिल्ली में बात करके यहां में अपने लोगों को कुछ देना है। राजनीति स्वार्थी बनके नहीं हो सकता है, राजनीति में दिमाग का भी इस्तेमाल चाहिए, दिमाग भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए और कॉन्फिडेंस भी चाहिए। मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी कॉन्फिडेंट, ऑल माई MD CGMs। ADC इलेक्शन सिर्फ 18 महीना दूर है, आप क्या बोल के जाएंगे, क्या बोल के जाएंगे? कोई बोलता है आप कॉरपोरेट का डिमांड मत करो, अभी हम लोग पावर में आके तो चुप बैठ जाएगा, नहीं, हमको चुप बैठने के लिए गवर्नमेंट ने टीपरासा ने वोट नहीं दिया। खसरांग आप फोन करता है, महाराज राहुल गांधी अच्छा है, ये कोई अच्छा नहीं है, कोई खराब नहीं है, टीपरासा अच्छा है, हम सिर्फ टीपरासा का बेनिफिट देख रहा है, किसी और का बेनिफिट नहीं देख रहा है। आप लोग दिल्ली में कौन ये बनेगा कौन वो बनेगा, हम सिर्फ देख रहा है हम लोग का लोग क्या बनेगा। हम लोग 70 साल से कभी माननीय बाबू को बनाया, कभी माननीय सरकार को बनाया, कभी नृपेन चक्रवर्ती को बनाया, कभी सुधीर रंजन मजूमदार को बनाया, कभी किसी और को बनाया, हम लोग का लोग कब बनेगा, हम लोग का लोग कब उठेगा? आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, पहले टीपरासा को बचाओ, टीपरासा को बचाना है तो लैंड राइट्स दो, लैंड प्रोटेक्शन चाहिए। अगर कल कोई इलीगल आए हमारे एरिया में तो हम लोग कैसे अपने आप को बचाए, उसके लिए हमको बात करना पड़ेगा, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, कानून बनाने के बाद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बहुत हो गया, दिल्ली से कोई लीडर आया, अनिमेश सम लीडर केम फ्रॉम दिल्ली, हम लोग का टीपरासा लोग से महाराजा हजा देवी नाच करे या मामिक डांस करे या गरिया डांस करे, अरे क्या डांस करना, उनको डांस करना चाहिए हम लोग के लिए। कब तक उनको चाकुई भांगुई देते रहे, आप हमको अब राशन दो, आप कब तक बोले हमारा ये है, आइए हमारा अतिथि देवो भव, बहुत अच्छा है अतिथि देवो भव, लेकिन आज आपको हमको कुछ देना पड़ेगा। 75 ईयर्स में 75 साल में कोई भी कम्युनिटी अपना ही राज्य में माइनॉरिटी नहीं बना है, ओनली त्रिपुरा बना है, तो त्रिपुरा के लिए अगर आज नीतीश कुमार स्पेशल पैकेज मांग सकता है, आज अगर चंद्रबाबू नायडू स्पेशल पैकेज मांग सकता है, तो आज अगर हमने स्पेशल पैकेज मांगा अपने ही लोगों के लिए, अपने लिए तो नहीं मांग रहा हूं ना स्पेशल पैकेज, अपने लोगों के लिए मांग रहा हूं, हमारा लोग ने वोट किया है, तो कोई गलत नहीं, कोई शर्म का बात नहीं, मिलना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में बहुत अभी मीडिया बोल रहा है अच्छा लाइन है, इसको आप हाईलाइट करो, ठीक है करो हाईलाइट। अगर चंद्रबाबू नायडू स्पेशल पैकेज मांगेगा तो कोई कम्युनल नहीं बोलेगा, अगर नीतीश कुमार बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा कम्युनल, हम लोग बोलेगा तो बोले संप्रदाय नहीं, हम लोग किसी से छीने का नहीं, हम दिल्ली से चाहता है, किसी का हाथ से छीन के नहीं, हम दिल्ली से स्पेशल पैकेज चाहिए। अरे थोड़ा ताली हो जाए, वी आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। अनिमेश विजय बाबू जगदीश बाबू मेवार यहां में, वी आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, वी आर नॉट गोइंग टू फाइट विथ ईच अदर। बुद्धो बाबू नो नीड टू फाइट विथ ईच अदर, फाइट टूगेदर फॉर आर पीपल। हम लोग को फाइट एक संघ वहां में करना है, एक संघ के साथ नहीं करना है, कमजोर होगा हम लोग। और जो लोग CPM में वोट किया, जिस लोगों ने कांग्रेस में वोट किया, वो भी अपना टीपरासा है, उनको समझाओ। अगर हम लोग जीतता है, अगर हम लोगों को अधिकार मिलता है, तो वो अधिकार
टिपरा मोथा का वॉरियर्स के लिए नहीं है, वो अधिकार टिपरा सा जाति के लिए है, दोहा के लिए। अगर आज हम लोगों को कॉप वर्क अपना स्क्रिप्ट में मिलता है तो वो सिर्फ टिपरा मोथा का वॉरियर्स के लिए नहीं है, हमारा बच्चा लोगों के लिए नहीं है, आपके बच्चे लोगों के लिए भी है। अगर आज हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलता है, असेंबली में ज्यादा सीट्स मिलता है, एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग मिलता है, तो आज हम लोग पावर में है, कल आप लोग भी पावर में आ सकते हो। ये जाति के लिए है, दोहा के लिए है, कोई पार्टी के लिए नहीं है। असेंबली में ज्यादा सीट्स मिलता है, एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग मिलता है, तो आज हम लोग पावर में है, कल आप लोग भी पावर में आ सकते हो। ये जाति के लिए है, दोहा के लिए है, कोई पार्टी के लिए नहीं है। तो जिंदगी में पार्टी बहुत किया, कभी कभी पार्टी को पीछे रखकर जाति के बारे में सोचो। ये फाइट महाराजा बुबागरा पूरा जाति के लिए कर रहा है, एक पार्टी के लिए नहीं कर रहा। और इसको अगर जीतना है तो कॉन्फिडेंस लाओ। और अगर हमारा वॉरियर्स लोग सीपीएम का घर को नहीं तोड़ेगा, कांग्रेस को मजाक नहीं उड़ाएगा, आज तक मैंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द, क्योंकि एक दिन उनके साथ भी बात करना पड़ेगा। ये फाइट किसी के अगेंस्ट नहीं है, हमारे लोगों को कुछ देने के लिए। ये आप माथे में क्लियर रखिए। और जिस दिन वो आपका माथा में पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा ना, आपको मालूम पड़ जाएगा आपको क्या मिलने वाला है। लेकिन जब तक कंफ्यूज रहेगा, जब तक पूरा दिन अड्डाबाजी करेगा, पॉलिटिक्स करेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मेरा स्पीच, मैं 5 महीने से चुप हूं क्योंकि इलेक्शन था, सब बात ओपनली नहीं बोल सकता था। आज मुझे TWF ने चांस दिया, मैंने बोल दिया। डरने का बात नहीं है, मैं ना चोर हूं, ना अपने लोगों को बेचकर कुछ कमाना चाहता हूं। मैं प्रद्योत विक्रम माणिक्य हूं, जो अपने लोगों को, महाराजा वीर विक्रम का नाती हूं। और अगर अपने लोगों को कुछ मैंने दिया तो मुझे भी लगेगा कि मैंने महाराजा वीर विक्रम का नाम को उठाया, अपने आप को देखा। कुछ गलत बोला मैंने आज नहीं, आप लोग EMs हैं, MDCs हैं, आप लोग भी बोलो गणेश। और जो लोग ये टिपरा मोथा पार्टी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज, हमारे पार्टी में कोई जमतिया है, कोई देवबर्मा है, कोई कैपे है, वो नहीं चलेगा, सब टिपरा सा है। हमारे पार्टी में वो क्रिश्चियन है, वो बुद्धिस्ट है, वो हिंदू है, नहीं चलेगा, सब टिपरा सा है। हमारे पार्टी में कोई चर्च जाएगा उसका भी रिस्पेक्ट होगा, कोई मंदिर जाएगा उसका भी रिस्पेक्ट होगा, कोई बुद्ध मंदिर जाएगा उसका भी रिस्पेक्ट होगा, और जो एथियस है, जो पूजा भी नहीं करता, उसको भी हम रिस्पेक्ट करेंगे। ये हमारा पार्टी। अपना पार्टी को दूसरे पार्टी से अलग रखो। ये पार्टी हमने कम्युनिटी के लिए बनाया है, और जब तक कम्युनिटी के बारे हम बात करेंगे, ये पार्टी में कोई बंगाली को नहीं मारा जाएगा, ये पार्टी में किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। अगर आपको अपना घर बनाना है तो बंगाली का घर जलाने से टिपरासा का घर नहीं बनने वाला है। अगर आपको अपना घर बनाना है तो दिल्ली में जाकर बोलना है, हमको घर बनाना है, आप पैसा दो। अगर आपको नौकरी चाहिए तो कोई बंगाली को डिनाई करने से आपका बेटा को नौकरी नहीं मिलने वाला, आपका बेटी को नौकरी मिलने नहीं वाला है, आपको दिल्ली में जाके बोलना है, फंड भेजो, हमको और 500, 1000, 2000 नौकरी बनाना है। जो चाहिए वो दिल्ली को देना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली को भी हमको एक तरीका से बोलना पड़ेगा। त्रिपुरा में टिपरासा का कंधा रखकर बहुत लोगों ने राजनीति किया है, चाबी पीछे से किसी और ने लगाया है, टिपरासा ने बात किया है, अब चाबी कभी वहां में ताला मार दो, ताला मार दो। और जो लोग 2-3 लीडर्स है, हमको बात पर बोला, किसी ने कुछ और बोला, रिएक्ट मत करो। जितना भी गाली दिया और वोट मिला, गाली देने से कुछ नहीं मिलता है। मैं प्रद्योत हूं, कल कोई मुझे चोर बोले तो मैं चोर नहीं बनने वाला,
कल कुछ मुझे फ्रॉड बोले तो मैं फ्रॉड नहीं बनने वाला, और कल कोई मुझे शाहरुख खान भी बोले तो मैं शाहरुख खान तो नहीं बनने वाला ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई नो हु आई एम, यू शुड नो हु यू आर एंड बी कॉन्फिडेंट एज पीपल। मुझे आज दिल्ली जाना है, अगले 10-15 दिन के अंदर गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा, कौन कौन से मंत्री में आएगा, होम मिनिस्ट्री में जाके बात करना है, मुझे फॉलो अप करना पड़ेगा और मैं फॉलो अप करूंगा, मैं फॉलो अप करूंगा। एक शब्द हमारे जो लोग अंडरग्राउंड में है वो भी हमारे लोग हैं, उनको भी लाकर अच्छा सा पैकेज देकर उनका बात सुन के उनको भी मेनस्ट्रीम में लाना है, वो लोग को भी हमारे कम्युनिटी के हैं उनको लाना है, और वो काम भी मैं कर रहा हूं और मैं करूंगा। फाइनली टू TWF, आज आपका फाउंडेशन डे है, आई वॉन्ट यू टू एंजॉय, आई वॉन्ट यू टू स्माइल, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, बट आई मोर इंपॉर्टेंटली आई वॉन्ट यू टू शो सम करेज एंड डू सो। अगर ये कर सकता है आप, अगर हमारा बुरी हमारा संग रहेगा, हमको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। और अपने आप को ये बात हमेशा अपने दिल के अंदर रखना, आई लव यू, आई विल ऑलवेज लव यू। जब मैं बीमार था, जब मैंने हंगर स्ट्राइक किया, पीपल प्रेड इन चर्च, पीपल प्रेड इन टेम्पल्स, पीपल प्रेड एट द होम्स, I know it is your love which has taken me this far, and I know your love will take me further. I only appeal to you that आज हम लोग यहां पहुंचा है, गोल सामने है, अभी हम लोग को एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करना, एक रहना है, और जो हमारे साथ नहीं भी है उनको भी प्यार से वापस लाकर घर में वापस लाना है, और उनको बोलना है आ जाओ सबको कुछ मिलेगा। यही मैं बोलकर I want to thank everyone. हमारा काम अब ADC में अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देने के लिए है, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए है। हमारा काम होगा जितना नौकरी हम लोग दे सके अपने लोगों को, स्पेशली अपना यूथ को जो एजुकेटेड है लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है, जितना हम लोग उनको लोन दे सके कि वो अपना बिजनेस शुरू करें, वो हमको अगले 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा। अभी मैं दिल्ली जाऊं और दिल्ली में जाकर हमें क्या मांगना है कि अग्रीमेंट में जो लिखा गया 125th अमेंडमेंट में, जहां में डायरेक्ट फंडिंग का बात किया गया है, लैंड राइट्स के बारे बात किया गया है, उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर हमने जाके दिल्ली में अपना पोजीशन एज अ इंडिजिनियस पर्सन ऑफ त्रिपुरा रखा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी विचार करना पड़ेगा। आपको लगता है मैं भी जाके दिल्ली में बोलूंगा, आपने कहा पास किया बंगाल में कुछ फायदा नहीं मिला, आपने देखा होगा बीजेपी को भी देखना पड़ेगा, नागालैंड में नहीं जीता उनका सहयोगी दल, मेघालय में नहीं जीता उनका अलायंस पार्टनर, मणिपुर में दोनों सीट हार गया, तो कहीं ना कहीं हमारे ट्राइबल स्टेट्स में दिल में थोड़ा सा दुख है। क्यों? क्योंकि हम इनसिक्योर फील करते हैं, हमको लगता है कि आप विकसित भारत के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट हो, हम भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमको सबसे पहले अपना जमीन, अपना भूमि, हमारा राइट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। आज अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई ट्राइबल कम्युनिटी ने सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट किया है अग्रीमेंट के बाद, तो हमारा तिपरासा कम्युनिटी। तो आपको भी
हमारे पिपरासा कम्युनिटी को इनाम देना चाहिए, और वो इनाम पार्टी नहीं है, वो इनाम है अधिकार, राइट्स। पॉलिटिक्स में आज हम लोग जीते हैं, लोकसभा का इलेक्शन ज्वाइंट कैंडिडेट कृति देव वर्मा जीता, मेरा बहन, मैंने आज उनसे बात किया, मैंने कहा मत भूलो पार्टी से जीता है लेकिन जाति ने जिताया है, और ये कभी मत भूलो क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है कि अब दिल्ली में भी आप बात उठाए। आने वाले एक महीने के अंदर मैं TWF प्रेसिडेंट, हमारा एडवाइजरी बॉडी, सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग कमेटी बनाइए। अगर विमेन लोग कमजोर रहा ना तो सोसाइटी डेवलप नहीं होगा, अगर बुरी को पीछे रखा तो आप लोग डेवलप नहीं होगा। विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, आने वाले दिन में औरत को इलेक्शन लड़ने के लिए चांस मिलेगा, लेकिन औरत अगर इलेक्शन जीतना चाहता है, यहां में नंदिता है, हमारा रायमा वैली से गुरुई गोदल का प्रेसिडेंट था, सपना है, आज तक कोई भी आंचलिक पार्टी से दो गुरुई एमएलए नहीं बना, ये लोग दोनों पहले बार है, हमने चांस दिया, लेकिन दो गुरुई को चांस देने से काम हो गया नहीं। लेकिन अगर आपको कॉन्टेस्ट करना है, अगर आपको जीतना है, तो आपको सबसे पहले एक औरत सोसाइटी से फाइट करता है, सोसाइटी औरत को उठने नहीं देता, सोसाइटी आपको नीचे रखने का कोशिश करता, बहुत लोग आप लोगों को चांस नहीं देगा, आपको पहले एक दूसरा से लड़ाई करना बंद करो, औरत लोग एक हो, एक आवाज में बात करो, आप तो पहले से कभी अपना ससुर से, कभी अपना पति से, कभी अपना कामी में, सब औरत को उठाने के लिए रोकने का कोशिश करता है, पहले से आप लोगों का एक हाथ बंधा है पीछे, और उसके बाद आप लोग ही अगर एक संग फाइट करेगा तो आपको चांस नहीं मिलेगा। पहले जीतो, पहले उठो, उसके बाद देखा जाए, और अगर आपको लीडर बनना है तो उसने क्या किया, उसने क्या बोला, वो कैसा लुक देखता है, उसने ये किया, उससे नहीं चलेगा। सब औरत का आज त्रिपुरा में एक ही प्रॉब्लम है, आप लोगों को चांस नहीं मिलता है, आप लोगों को नौकरी में चांस नहीं मिलता है, आपको राजनीति में चांस नहीं मिलता है, आपको परिवार में जब घर मिलता है तो पटाख आपका नाम में नहीं होता है, आपका पति का नाम में होता है, आपका बाप का नाम में होता है, आपका ससुर का नाम में होता है, कोई मां के नाम में, कोई बेटी के नाम में, कोई बहन के नाम में जमीन नहीं है। आज आपका प्रॉब्लम वही है, तो थोड़ा अपने आप को उठाओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ। जब असेंबली में हमारा नंदिता किया, जो भी किया, पूरा इंडिया से फोन आया, अरे कौन है ये आपका एमएलए, ये कॉन्फिडेंस था। एक साल तक अनिमेश एलओपी, अनिमेश आई हैव नॉट टोल्ड यू दिस, कभी कभी आपका भी प्रेस करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, हमारा अनिमेश क्या